स्वागत है आप लोग का अपने चैनल सम्राट सीडी पे। जैसे कि आज हम इरिगेशन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे कैनल हेडवर्क। देखिए कैनल हेडवर्क होता क्या है और कैनल हेडवर्क का यूज क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए कैनल हेडवर्क जो है नदी नदी में जो पानी बहती है, तो नदी का जो पानी है हमको खेतों में सिंचाई के लिए लेना हो तो उसके लिए क्या किया जाता है, कैनल हेडवर्क बनाया जाता है। ठीक है, जैसे इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए नदी है, नदी का लेवल ये है, ठीक है, और खेत का लेवल मान लीजिए इसके बराबर है या फिर इससे थोड़ा हाइट पे है। ठीक है, तो हमको इस नदी का पानी हमको तो खेत में पहुंचाना ही है। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया जाता है कि यदि नदी का लेवल कम होता है तो उसके लेवल को उठाया जाता है और उठाकर खेत के बराबर करके उसको नहर में पानी को सप्लाई करके खेत में पहुंचाया जाता है। ठीक है, और इसे एक और बेनिफिट होता है, यदि हम इस नदी से अगर ये मान लीजिए कि ये नदी है और इधर का खेत का जो लेवल है मान लीजिए अगर इसी से कम ही है, तो अगर यहाँ पर डायरेक्ट खोल देते हैं पानी को तो क्या होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा सिल्टिंग होती है, इसमें सिल्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, तो ये टोटल सिल्ट की मात्रा क्या होगा, खेतों में पहुँच जाएगा तो खेत की क्वालिटी को डाउन कर देगा, तो वो भी सही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए क्या किया जाता है, कैनल हेडवर्क तैयार किया जाता है। कैनल हेडवर्क देखिए होता क्या है, इसमें किया क्या जाता है, कैनल हेडवर्क में क्या किया जाता है कि इसमें जो जल का लेवल होता है उसे उठा दिया जाता है, मतलब जल का लेवल और हाई कर दिया जाता है, और इसमें बहुत सारे इसमें पार्ट्स लगे होते हैं जिस पार्ट्स का अलग अलग कार्य होता है, जैसे कि वो पार्ट्स हमने यहाँ पर लिख दिया है, जिसमें बियर होता है, बैराज होता है, डिवाइडेड वाल होता है। एक एक करके हम आपको बताएंगे कि किसका मतलब क्या होता है। देखिए बियर और बैराज दो चीज़ है, इसमें वियर और बैराज आपका ये है, ठीक है, और ये जो नदी है, नदी अपस्ट्रीमी है, मतलब जो पानी का बहाव की दिशा है ये है, और इस तरफ से पानी आता है ऐसे, और इसका डाउन स्ट्रीम रिवर ये है। डाउन स्ट्रीम रिवर का मतलब ये हुआ कि जिधर से पानी आता है उसे अपस्ट्रीम रिवर बोलते हैं। जो ये सिस्टम बना, मान लीजिए सिस्टम आपका हेडवर्क सिस्टम है, तो जिधर से पानी आता है वो अपस्ट्रीम, इस सिस्टम से होकर जिधर चले जाता है नदी में ही, वो आपका क्या होता है, डाउन स्ट्रीम रिवर होता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे वियर और बैराज के विषय में। यहाँ पे देखिए वियर और बैराज लगा हुआ है। वियर और बैराज होता क्या है, एक आपका डैम जैसे होता है ना डैम, तो डैम की तो बहुत ज़्यादा हाइट होती है, तो डैम शेप का ये छोटी सी हाइट होती है, मतलब इसकी हाइट कम होती है थोड़ी डैम की तुलना में, और क्या किया जाता है इसे नदी में ही नीचे बना दिया जाता है। जैसे मान लीजिए पानी आ रहा है, ये जैसे है इधर से पानी आ रहा है तो अभी इतने पे है, और यहाँ से पानी आ रहा है तो क्या होगा, इस बियर या बैराज, बियर और बैराज में अंतर है, हम आपको इसको बताने के बाद से बियर और बैराज के बारे में स्पेशल बताएंगे, क्योंकि देखिए बियर और बैराज पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम में हर साल पूछता है, एक दो नंबर में जरूर पूछना है, तो पूछना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें फिलहाल में बात करते हैं, ये आपका बियर है या बैराज है, यहाँ पानी आया, ये क्या करेगा, इस साइड में पहले पानी यहाँ तक भरेगा, भरने के बाद से फिर इसके ऊपर होकर अपर होकर फ्लो करेगा ना, मतलब जैसा पानी आता जा रहा है, ये ओवर होने ये भरने के बाद से इसके ऊपर से पानी चला जाएगा, तो वही ये होता है कि ये वियर है, वियर और बैराज है, तो यहाँ पे पानी आता है इकट्ठा होते ही यहीं से क्या होता है, इसका लेवल हाई होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, लेवल को हाई करने का कार्य करता है। ठीक है, दूसरा बात आता है डिवाइडेड वाल। और देखिए इसमें जो डिवाइडेड वाल है ये है, अब इस साइड में कैनल है, ठीक है, अब इसमें हमको पानी की सप्लाई करनी है, तो जब इसमें हमको पानी की सप्लाई करनी है, यहाँ पे हम वियर बना दिए, तो और भी कुछ इसमें सिस्टम लगे होते हैं, अलग अलग सिस्टम का अलग अलग कार्य है, मैं एक एक का कार्य बता रहा हूँ, तो यहाँ पर ये डिवाइड वाल इसलिए बना दिया जाता है ताकि यहाँ से जो सिस्टम है इतने में काम करे और यहाँ से बस पानी का लेवल हाई कर दे, बाकी जो भी कार्य होगा जैसे सिल्टिंग को रोकना, पानी को उसमें कंट्रोल करना, कितना पानी भेजना है या फिर कितना नहीं भेजना है, या फिर पानी को ना भेजा जाए, ये टोटल सिस्टम बनेगा ना, तो इस सिस्टम को एक डिवाइड वाल द्वारा इसको अलग कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है अंडर स्लूस और स्कोरिंग स्लूस। देखिए क्या होता है, ये जो होता है स्कोरिंग कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है होता क्या है स्कोरिंग। देखिए जो नदी होती है, तो नदी में पानी बहता है तो ऐसे पानी क्या करता है, अंदर ही अंदर राउंड मारता है, तो क्या करता है, जितने भी बालू होती है सिल्ट होता है उसको सबको क्या करता है, पानी में फेंट देता है, ठीक ना, तो उसी को हम क्या करते हैं, स्कोरिंग बोलते हैं। ठीक है, स्लूस मतलब एक क्या होता है
कि वही जो सिल्टिंग हुई होती है तो उस सिल्टिंग को पास कराने के लिए जो व्यवस्था होती है उसी को स्लीव्स बोलते हैं। तो ये विया द बैराज में व्यवस्था बनाई जाती है, जिसमें होता यह है कि लगभग 8 से 1.5 मीटर की डिस्टेंस पे ये क्या कहता है, इसमें या तो फाटक लगा दिया जाता है या फिर उसमें एक बड़ा डायमीटर का होल कर दिया जाता है, जिसके सहायता से जब जब ऐसे सिल्टिंग होता जाता है बैठता जाता है माटी, तो उसे उभर होता है, तो उसी के रास्ते से क्या होता है, इधर सिल्ट निकल जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब आ गया कैनल हेड रेगुलेटर। देखिए कैनल हेड रेगुलेटर क्या होता है, रेगुलेटर का मतलब होता है कंट्रोल करना, मतलब नियंत्रण करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, रेगुलेटर लगा होता है, यहाँ पे आपका गेट होता है, ये इसे हम लोग बोलते हैं गेट। देखिए इसका कार्य क्या होता है, जैसे मान लीजिए अभी कभी हमको पानी की ज़्यादा ज़रूरत है तो इस गेट द्वारा क्या करेंगे, इसमें पानी, ये फाटक मतलब जो गेट है इसको उठा देंगे तो पानी ज़्यादा मात्रा में जाएगी। ठीक है, यहाँ से मतलब इस पानी में कितनी मात्रा में हमको पानी जानी चाहिए, कितनी मात्रा में नहीं जानी चाहिए, इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटर बनाते हैं, मतलब इसको रेगुलेटर बोलते हैं और इसमें गेट लगे होते हैं। ये गेट क्या होता है, वियर या बैराज, बैराज पे बना होता है, बैराज पे भी बना होता है या फिर केवल गेट भी लगा होता है। अगर ज़्यादा हाइट में है तो नीचे बैराज बनाकर इसके ऊपर ये लगाया जाता है, उसको बैराज बताएंगे तो आपको क्लियर होगा। तो इसके लिए रेगुलेटर होता है। उसके बाद आता है फिश लेडर। देखिए फिश लेडर में होता क्या है कि जो मछलियाँ होती हैं वो क्या होती है, अक्सर किनारे आना पसंद करते हैं, मतलब जो होता है ना किनारे किनारे रहती हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पे फिश, जैसे यहाँ पे अगर मछली रहेगी तो यहाँ पे रुक नहीं सकती, पानी का बहाव इतना तेज़ रहेगा कि पानी मतलब मछली चली जाएंगी। जैसे कि मछलियाँ पानी की जो धार होती है, जो दिशा होती है, उसके अपोजिट साइड में ही मछलियाँ तैरती हैं, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है कि कितने लिमिट तक का पानी का बहाव रहेगा तो रह सकती हैं। अगर उससे ज़्यादा अगर होगा तो क्या होगा, मछलियाँ यहाँ पर रुक नहीं पाएंगी, इसीलिए क्या किया जाता है, इसमें फिश लेडर बनाया जाता है। इसका देखिए स्ट्रक्चर होता कैसे है, ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका है और ये है, देखिए ये डिवाइडेड वॉल के किनारे में ही लगाया जाता है, ऐसे यहाँ पे ऐसे गेट नुमा ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ऐसे। अब ये आपको करता क्या है कि जैसे मान लीजिए पानी का बहाव इधर से आ रहा है तो कुछ इस पर टकराएगा, फिर पानी इधर आएगा तो फिर इस पर टकराएगा, तब इधर से होकर फिर ऐसे करके टकरा कर यहाँ पे क्या होगा, इसकी जो वेलोसिटी है, किसकी वेलोसिटी नहीं, इसका जो गति है पानी की, वो क्या करता है, स्लो हो जाता है। ये यहाँ पे पानी की जो गति है धीमी हो जाती है, जिसके वजह से यहाँ पे मछलियाँ रहना आसानी से पसंद करती हैं। एक तो पानी का धीमा हो जाएगा, ये नहीं कि रुक जाएगा, धीमा हो जाएगा, इसमें पानी बहेगा लेकिन इस हिसाब से पानी का बहाव हो जाएगा जहाँ पे इन लोगों के मछलियों के लिए रहना सर्वाइव हो सके। ठीक है, तो ये आपका है फिश लीडर। अब बात करते हैं लॉन्ग शूट, लॉन्ग शूट। ठीक है, ये देखिए लॉन्ग शूट बनाया कहाँ जाता है, जैसे कि मान लीजिए आपका यहाँ पे रेगुलेटर बना, ठीक है, ये आपका यहाँ पे हम रेगुलेटर बना और यहाँ पे सॉरी एक मिनट, यहाँ पे रोड है, इसके नीचे रेगुलेटर है, यहाँ पे नहर का पानी फ्लो हो रहा है, फिर यहाँ पे ऐसे डाउन है, तो ऐसे बनाया जाएगा ये। जैसे मान लीजिए ये आपका बैराज है और यहाँ से पानी आपको डायरेक्ट यहाँ पर नहीं निकाला जाएगा, तो यहाँ से तिरछा करके स्ट्रक्चर बना दिया जाता है जिसमें क्या हो, पानी यहाँ से बहकर आसानी से ऐसे होकर ऐसे जाए। ठीक है, तो ये जो बनाया जाता है इसी को बोलते हैं लॉन्ग शूट, लॉन्ग शूट इसको बोलते हैं। ठीक ना, इसको CHUT इसको शूट पढ़ते हैं। ठीक है, कभी कभी लड़के इसका उच्चारण गलत करते हैं। अब आता है सिल्ट प्रिवेंशन वर्क। देखिए सिल्ट प्रिवेंटेशन क्या होता है, जो प्रिवेंटेशन मतलब क्या करना, रक्षा करना, मतलब इसमें जो सिल्ट होती है सिल्ट को कैसे कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, वो इसमें क्या होता है, वो सिल्ट कंट्रोलिंग इसमें भी लगा होता है, जैसे कि अभी अभी बताए हैं ये स्कोरिंग वाला, कि इसमें क्या होता है कि सिल्ट को नीचे लगभग कितना इतना यहाँ पे लिखे हुए 0.8 से 1.5 मीटर की ऊंचाई पे क्या होता है, ये बना होता है जिसपे यहाँ से सीट बैठ जाता है तो उसके ऊपर से जो ओवर होता है वो निकल जाता है। तो यही व्यवस्था इसमें भी बनाया जाता है और इसमें भी बनाया जाता है। ठीक है, तो ये हम इसका एक टॉपिक ही अलग लेकर बता देंगे, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक ना, अभी आ गया रिवर ट्रेनिंग वर्क। देखिए रिवर ट्रेनिंग वर्क होता क्या है, जैसे मान लीजिए टोटल सिस्टम बन गया है। ठीक है, अब ये सिस्टम को हमेशा बरकरार बनाए रखने के लिए, मतलब इसको मेंटेनेंस करने के लिए क्या किया जाता है कि कभी मान लीजिए ये टूटा, कभी ये यहाँ पे सिस्टम फेल हुआ, कभी यहाँ पे फेल हुआ,
तो ये हमेशा फेल होता रहता है, तो इसी को मेंटेन करने के लिए जो कार्य किया जाता है वो किसके अंतर्गत आता है, रिवर्ट ट्रेनिंग वर्क। ठीक है, अब देखिए आता है लॉक चैनल। लॉक चैनल इसमें होता क्या है कि देखिए यहाँ पे पानी आपका बह रहा है, ठीक है, इधर से अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम की तरफ आ रहा है, तो क्या होता है कि यहाँ से पानी इस डिवाइड वाल की तरफ से यहाँ आकर पानी यहाँ पे लॉक हो जाता है एक तरह से, ठीक है ना। जब ये पानी लॉक हो जाता है जिससे क्या होता है कि इधर का तो पानी इधर आसानी से निकल जाता है, यहाँ से लेवल हाई हुआ और यहाँ पे वाटर आकर लॉक हो गया, और लॉक होने के बाद से यहाँ से आसानी से हम अपने हिसाब से पानी को पास करते हैं, तो इसीलिए इसको हिंदी में भी बोलते हैं जल पास चैनल, इसको हिंदी में बोलते हैं जल पास चैनल। ठीक है, जल पास चैनल। देखिए ये जो सभी टॉपिक है एग्ज़ाम में हेडिंग के तौर पे, मतलब एग्ज़ाम में एक एक पॉइंट करके ये पूछ सकता है, या फिर पूछ सकता है कि चैनल हेड वर्क, तो आप क्या कीजिएगा, ये सभी टॉपिक को हमने समझा दिए हैं, आप आसानी से फिगर को देख लीजिएगा, इस फिगर को एक बार नहीं 3 बार 4 बार बनाइए, और बनाने के बाद से एक एक टॉपिक को अपने मन से बिना ये हेडिंग देखे अपने मन से देखे कि ये क्या है, फिर ये क्या है, फिर ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, सब अपने मन से लिखिए, आपको टॉपिक अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप एग्जाम में क्या करेंगे, एक एक टॉपिक को लेकर उस पर एक्सप्लेन अपने मन से कर दीजिएंगे। देखिए आप एक एक टॉपिक हम बताएं आप उसको लगेंगे याद करें, सर ये बोले हैं वो बोले हैं, तो आपको याद नहीं होगा, आप बस बात को समझिए, आप वहाँ एग्जाम में अपने मन से लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम आपको बताते हैं वियत और वैराज में अंतर। ठीक है, तब तक इसको रफ करते हैं। वियत और वैराज के बारे में आपको बताते हैं कि देखिए वियत और वैराज होता क्या है, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। वियत और वैराज दोनों एक ही जैसा होता है, स्ट्रक्चर अंतर होता है लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है, इसी का फ़ायदा उठाकर एग्जाम वाले वियत और वैराज के बारे में पूछते हैं ज़्यादा। ठीक है, देखिए वियत क्या होता है, वियत जैसे मान लीजिए ये आपकी नदी है, ठीक है, तो जो वियत का स्ट्रक्चर होता है, वियत मान लीजिए ये है, ठीक है ना, अब ये क्या होता है कि ऐसे स्ट्रक्चर बनाया जाता है ये, और इधर सब जब पानी आकर भरता है ये लेवल उठता है तो इसके ऊपर ऊपर ऐसे पानी आकर ऐसे होकर फिर ऐसे चला जाता है। ठीक है, तो ये आपका होता है वियर, लेकिन बैराज में होता क्या है, ये भी इसी के जैसा होता है, ये भी वियर के जैसा ही ऐसा बनता है, लेकिन होता क्या है कि इसमें किनारे क्या किया जाता है, पिलर बनाकर थोड़ा हाइट कर दिया जाता है, और इसमें वाटर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे क्या होता है कि फाटक लगा दिया जाता है, गेट लगा दिया जाता है। ठीक है, और ऊपर से इसको कंट्रोल करने के लिए ऐसे कॉलम लगा होता है ना, तो यहाँ पे खड़ा होने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, आदमी को चढ़ने के लिए व्यवस्था बना दी जाती है। ठीक है, तो देखिए इस ये भी ऐसा हुआ, ये भी ऐसा ही हुआ, होता ही है कि थोड़ा ये इसकी हाइट कम होती है और इसका ये टोटल जो हाइट होता है इससे बहुत ज़्यादा होता है। तो देखिए इसमें होता क्या है वियर में और बैराज में, जैसे मान लीजिए ये आपका एक ही है, तो इसमें ये होगा कि वाटर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बस वाटर को क्या कर सकते हैं, जैसे नदी इतने पे बह रहा था, ये बैराज ये बियर लगा देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जल एकत्र होगा तो यहाँ से हाइट क्या होगा, उठकर ऐसे हो जाएगी। इसमें क्या कर सकते हैं, केवल इसके जो रिवर की जो बहने की जो लेवल था उसको हम उठा सकते हैं, और इसमें क्या होगा, इसमें तो लेवल उठाएंगे ही, लेवल तो उठेगा, लेकिन उसके साथ क्या होगा कि हम इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं कि कितना तक हम इसका लेवल उठाएं, और चाहें तो यहाँ तक फाटक उठा देंगे तो यहाँ से नीचे से पानी बहने लगेगा, अब इसको यहाँ पे लाकर चिपका देंगे तो फिर क्या होगा कि ये फिर ये टोटल यहाँ तक पानी बहने लगेगा, या फिर फाटक के ऊपर से पानी आकर गिरेगा। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है कि लेवल को कंट्रोल करना बहुत आसान होता है, लेकिन वियर से क्या कर सकते हैं, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और देखिए इसमें मान लीजिए नदी है, तो इसमें क्या होगा, सिल्ट तो होंगे ही, ठीक है, तो यहाँ पे सिल्ट होकर यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे, तो यहाँ पे स्कोरिंग के लिए जब भी बताए थे कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्कोरिंग के लिए बनाना पड़ता है इसमें, ठीक है, ताकि यहाँ से सिल्टिंग आसानी से निकल सके, लेकिन इसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनानी पड़ती। हम यहाँ से जब ये फाटक उठाते हैं तो ये थोड़ा इसका हाइट कम ही होता है, ठीक है ना, तो इसीलिए इसमें क्या करता है, सिल्ट के लिए कोई स्कोरिंग बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्या होता है कि यहीं से स्कोरिंग नहीं स्लूस तो क्या होता है, यहीं से क्या होता है, निकल जाता है। ये हम यहाँ पे जैसे मान लीजिए है और यहाँ से फाटक उठाए तो यहीं से पानी निकल जाता है, तो टोटल जो सिल्टिंग होती है यहीं से होकर आगे बढ़ जाती है। ठीक है, तो देखिए अगर बाढ़ के समय में क्या होता है कि ये उतना कारीगर नहीं साबित होता है, लेकिन बाढ़ के समय में हम आसानी से क्या करते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं वाटर को, कितने लेवल पर उठाएं कितने लेवल पर ना उठाएं, इसको
दूसरे रास्ते में भी मतलब दूसरे नहर में कैसे भेजना है इसे हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए इसमें इसके अंतर में एक और भी आता है कि ये मटेरियल के आधार पे इसको बांटिए, तो वियर और बराज मटेरियल के आधार पे आप खुद बांट सकते हैं। कंक्रीट का बना हो सकता है, मैसनरी का केवल हो सकता है, या फिर बहुत मुश्किल कंडीशन में इसको हम स्टील का भी बना सकते हैं। ठीक है, तो वियर और बराज इतना अंतर बहुत है, इतना अगर आप एग्ज़ाम लिख देते हैं तो नंबर कट नहीं सकता आपका। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। देखिए अगर कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट में जरूर बताइए, और कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है इसके प्रीवियस का। कोई भी लेक्चर, कोई भी टॉपिक है जो पीछे पढ़ा दिया गया आप उसे देखिए, और वीडियो को शेयर वगैरह कर दिया कीजिए यार, जो भी और भी आपके जो दोस्त हैं उनका भी कुछ भला हो सके। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।